और राजधानी डिलाइट, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से लें। चीज़ें बहुत सारी हैं, तो ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और आज बेसिकली जो है हम लोग मौजूद हैं, एक हमने प्रीवियसली एक रिसर्च किया था कि कोई ट्रेडिशनल कोई डिफरेंट सी ये चीज़ हो जहाँ पे हम कवरेज करें। प्रीवियसली आपने देखा होगा हमने वहाँ का व्लॉग अपलोड किया था बंस रोड का, तो इस बार हमने चल थोड़ा सा कन्वेंशनल हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो इस बार जो है हम एक इंडियन कुजीन में मौजूद हैं जो कि बेसिकली राजधानी डिलाइट्स के नाम से है क्लिफ्टन पे। तो इंशाल्लाह आप इसको हम कवर करते हैं, और आज आप हमारे साथ रहिएगा और डेफिनेटली आप लोग इंजॉय करेंगे। और मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त तामीर भी मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम दोनों आज देखते हैं, ट्राई करते हैं और आपको भी इसका एक्सपीरियंस बताते हैं। और आज का व्लॉग आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, आपको यूं लगेगा जैसे आप इंडिया में मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलें चलते हैं, चलें इंशाल्लाह ताला आपको लेके चलते हैं अंदर। ओके जी जी। तो ख़वातीन हज़रात, बेसिकली आज हम मौजूद हैं एक इंडियन कुजीन में। आपको पता ही है क्योंकि हम लोगों का ताल्लुक जो है वो बरसग़ीर से है, सब कॉन्टिनेंट से है, तो डेफिनेटली जो है वो एक इन्फ्लुएंस है और इंडियन डिशेज का डेफिनेटली यहाँ पे भी एक क्रेज़ है पाकिस्तान में भी। तो इसलिए जो है आज हमने डिसाइड किया कि आज जो है एक नए तरीके से जो है वो किसी चीज़ नई रेस्टोरेंट को किसी नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसलिए फिर जो है आज हम मौजूद हैं इंडियन राजधानी रेस्टोरेंट जो कि एक इंडियन कुजीन है। तो आज चलते हैं अंदर और डेफिनेटली आपको ट्राई करवाते हैं नई डिशेज़ के हवाले से कि किस तरह का खाना है, इसका एक्सपीरियंस कैसा है, अंदर से किस तरह का माहौल है, एम्बियंस क्या है, तो सब चीज़ें आपको बताते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा इस व्लॉग में। तुम जो क्लिप्स कुछ बनाओ ना तो मुझे भी दे देना, मेज़बान है बहुत ज़बरदस्त किस्म के। माशाल्लाह, तो वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात का। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। आपका नाम दोबारा बताइएगा। एलेक्स। एलेक्स, तो फिर आप जो है हमें हमारी थाली कब फ्री करेंगे? चलें, जबरदस्त जबरदस्त। आप देख सकते हैं कि थालियां आ चुकी हैं लेकिन अब तक ये फिल नहीं हुई है, फिल होना बाकी है जी। तो गाइस, गरम गरम पानी से हाथ धुल चुके हैं, अब इंतज़ार बस जो है वो थाली को फिल होने का है, और इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि थाली कब आएगी, और जो है स्टार्ट लेते हैं और आपको बताते हैं कि यार किस तरह की चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि यूजुअली आप हम देखते हैं कि हमने यूजुअली जो है वो इंडियन खाना बहुत कम खाने में आ रहा होता है, डिफरेंट वीडियोज़ में व्लॉग्स में हम देख रहे होते हैं, लेकिन ट्राई करते हैं कि क्या एक्सपीरियंस होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डिशेज आपकी बाउल में भर दी जाती हैं, उसको खाने का, उसको इन्जॉय करने का क्या मज़ा आता है। तो डेफिनेटली अब आपको बताते हैं हम। ये तो कुछ अलग सी चीज़ लग रही है, क्या ख्याल है आपका? यार ये वैसे खाने में अलग मज़ा आएगा, जो बात है। कचूमर सैलेड है ये भी। मुझे लगता है बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक तो एम्बियंस जो है वो आपका बिल्कुल ट्रेडिशनल एम्बियंस है, उस एम्बियंस के साथ जो है वो इंडियन कुजीन वाकई मज़ा। नहीं, ये तो जो सब चीज़ें आ रही हैं वो सैलेड से रिलेटेड है ना, असल कुजीन कब आएगा? मेन कोर्स। अच्छा, पहले हमें ये खाना पड़ेगा। जी तो गाइज, आई एम रियली अमेज्ड, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि पापड़ भी रख दिए हैं, कुछ सैलेड है, कुछ चटनियाँ हैं और कुछ लस्सी टाइप की कुछ चीज़ है। अब बात यह है कि इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं। ये कह रहे हैं कि पहले ये ख़त्म करेंगे तो फिर दूसरा कुछ कोर्स आएगा, मेन कोर्स। अब मेन कोर्स क्या है, कैसा है, वो एक सरप्राइज़ है हमारे लिए, लेकिन लेट्स ट्राई, ये ट्राई करते हैं ये क्या चीज़ है। और ये डेफिनेटली ये थोड़ा सा कुछ मुझे अलग सा कोई चीज़ लग रही है, बेसन का कुछ है, गुजराती स्टाइल आए थे। तो लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई।
कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, डिफरेंट स्टाइल है, थोड़ा सा बेसन टाइप का है। अभी डेफिनेटली अभी मेन कोर्स तो आया नहीं है ना, तो अभी हम इसके ऊपर जो है वो बस ये है कि खा के बता सकते हैं कैसा है क्या है, लेकिन मेन कोर्स में ही पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं, वो सरप्राइज है आपके लिए। चना मसाला ये पनीर को डाला यार, ये इसमें पाकिस्तानी टच है ना, डिशेज में पाकिस्तानी टच ज़्यादा है ना, मसाला ज़्यादा है। ये किससे के साथ खाने की है? यार जो बात है, मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। तीन चार पांच किस्म के डिफरेंट आइटम्स हैं। अच्छा, इसमें वैसे तामीर, मैं आपको जो मुझे लग रहा है ना, ठीक है इंडियन कुजीन है, लेकिन इसमें पाकिस्तानी टच भी थोड़ा सा ज़्यादा है मिर्चों के हिसाब से। लेकिन डेफिनेटली हमारे जो इंडियन भाई हैं, तो डेफिनेटली वो कभी आए हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ को ट्राई करें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। चले अब ट्राई करते हैं, क्योंकि भूख भी बहुत लग रही है, काफी देर से वेट कर रहे हैं। लाल चटनी के साथ खाने का रिकमेंड किया गया है। तो माशाल्लाह से पूरी थाल जो है हमारे सामने आ चुकी है, और बस मुंह में पानी भी बहुत आ रहा है क्योंकि दोपहर से खाना नहीं खाया है, और वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हमारा मेन कोर्स कंप्लीट हो जाके। आते आते मेन कोर्स काफ़ी देर नहीं हो गई तामीर? अच्छा जी, ये फुलके भी आ गए हैं, सब चीज़ें आ गई हैं, बस अब प्राइस रहता है। यार वैसे काफ़ी देर से हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही भूख तो काफ़ी लग रही है जो बात है। माशाल्लाह जबरदस्त 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 जो बात है। जी तो गाइस, थाली पूरी आ चुकी है, जो मेन कोर्स था जिसका बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था, तो वो भी आ चुका है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से लें। चीज़ें बहुत सारी हैं, चावल भी हैं, कुछ कढ़ी भी है, दाल भी है, दो प्याज़ा, कुछ भिंडी भी है, चिकन भी है, मलाई चिकन, और थोड़ा सा साग भी है, बैंगन का भी कोई चीज़ है, बैंगन की चीज़ पड़ी हुई है, कोई चाट भी है, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं। इसमें जो है वो बेसिकली फ्लेवर थोड़ा पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी टच इसलिए क्योंकि हम लोग मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मिर्चों वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ का एक्सपीरियंस और फूड कैसा है। भाई बहुत सारी, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूँ यहाँ के एम्बियंस का, तो बिल्कुल जो है वो एक थोड़ा ट्रेडिशनल और थोड़ा इंडियन टच है, कुछ राजस्थान की तस्वीरें भी लगी हुई हैं ऊँटों वाली, और लोग जो है ऊँटों पर सफ़र कर रहे हैं, ये ख़वातीन जो बैठी हुई हैं उस पर रेगिस्तान में, तो ये बिल्कुल जो है वो एक राजस्थानी स्टाइल है, और राजधानी डिलाइट्स जो है वो नाम बिल्कुल अकॉर्डिंगली रखा गया है। आप ये देखें, मेरे हिसाब से तो अगर आप देखें तो बहुत अच्छी एक डिफरेंट जगह है,
ऑब्वियसली सी बात है, बंदा एक घर पे रहते रहते जो है वो एक तंग आ जाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि यार मतलब थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा इन्जॉय करें। तो ऐसी जगह पे आके खाना, क्योंकि ट्रेडिशनल नॉर्मल एक कन्वेंशनल जो रेस्टोरेंट्स हैं उस पर तो हर कोई जाता ही है, लेकिन ये कि एक ट्रेडिशनल डिफरेंट जगह पे जाके जो है आप खाना खाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, फूड इन्जॉय के साथ साथ आपको मज़ा भी आएगा। यहाँ से दो के इतना स्पेशियस नहीं है रेस्टोरेंट, छोटा रेस्टोरेंट है लेकिन क्रिएटिव है, क्रिएटिव एलिमेंट है इसके अंदर। जब आके आप यहाँ पे बैठेंगे तो आप फूड भी इंजॉय करेंगे प्लस आपको एम्बियंस भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप अपने वीकेंड्स पे फारिग टाइम में फैमिली को साथ लेकर आएँ, और देखा जाए तो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। क्या कहते हैं आप, एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत मुनासिब है, रेट्स भी बहुत मुनासिब हैं। रेट्स तो आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो तो आपको आके ही पता चलेगा, लेकिन खैर एवरेज अगर देखा जाए तो बहुत इकोनॉमिकल, बहुत अच्छा। जी तो चले आपको बता ही देते हैं कि थाल जो है वो बेसिकली कितना अमाउंट का है, 1200 पर हेड है ये। हाँ लेकिन इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि बूफे सॉर्ट ऑफ बूफे है ये, आप इसको बार बार रिफिल भी करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा मंगवाया उसके बाद फिर आप कुछ नहीं है, लेकिन आप मज़ीद इसको दो तीन दफ़ा रिफिल करवा सकते हैं। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये ग्रीन कलर की, मैं समझा सॉस है ये, मैंने एकदम से अपने ज़रा सी खाई है उसके बाद जो है मेरा गला जो है इसने पकड़ लिया है। खैर बियॉन्ड दैट, लेकिन ये बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त जो बात है, ग्रीन कलर की जो सॉस है सारी चीज़ें ट्राई की हैं, लेकिन एक चीज़ जो है दाल चावल वो ट्राई करना बाकी है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी हैं जो बात है। और डेफिनेटली हम गोश्त तो खाते ही रहते हैं, लेकिन ये कि एक दिन हमने बिल्कुल सब्ज़ी खा के गुजारो तो ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है कि आपकी तरफ चारों तरफ सब्ज़ियाँ ही सब्ज़ियाँ हैं। वैसे तो यही होता है कि आपके घर में जो है एक भिंडी की डिश बन गई, एक बैंगन बन गया, लेकिन क्या ही बात है कि आपके पास चारों तरफ जो है वो सिर्फ सब्ज़ी वाली आइटम है। नमकीन तो काफ़ी हो गया, तो हमने सोचा कि चलें अब यहाँ का मीठा ट्राई किया जाए जो कि दूध दुल्हारी है, तो ट्राई करते हैं आपको बताते हैं कि यार कैसा है। जी तो गाइज सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, और बात यह है कि क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं खा सके, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ट्राई की हैं क्योंकि आदत नहीं है खाने की। बात यह है कि सारी चीज़ों की टेस्ट जो है ना वो जितनी भी छोटी छोटी डिशेज उन्होंने दी हैं टेस्ट बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा डिश है। और ट्रेडिशनल जो है, लेकिन ये कि थोड़ा सा इसमें पाकिस्तानी टच है, मिर्च मसाले ज़्यादा हैं, वो क्योंकि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में है तो डेफिनेटली वो उसी हिसाब से टेस्ट वर्ड्स के हिसाब से जो रखा गया है, लेकिन डेफिनेटली इट्स अ ट्रीट टू कम। और डेफिनेटली आप लोग आएँ अपनी फैमिली के साथ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंटली जो है बात यह है कि एक एम्बियंस भी डिफरेंट है, आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप इंडियन कुजीन में बैठे हुए हैं, किसी राजस्थानी कुजीन में बैठे हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, खाने के साथ साथ जो है आपको एम्बियंस भी बहुत अच्छा मिलेगा। और मीठे में जो है वो मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, मैंने दिखाया भी था आपको, तो मैंने खा लिया है दूध दुल्हारी थी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कोई इंडियन डिश यहाँ पर होगी, कोई इंडियन इस तरह का कोई मीठा होगा, तो उनके ट्रेडिशनल जो मीठे होते हैं, लेकिन ये कि ये पाकिस्तानी था। खैर चलें, अदर देन दैट लेकिन बड़ा मज़ा आया। अब बताइएगा। जी जरान वालेकुम सलाम, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताइए कि इस तरह से ख्याल है आपको बनाने का, क्या सिलसिला है इसका? 2013 में और लोगों के लिए है, जैसे कि पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में जो है
अभी तो कोई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं है। तो एक वाइड रेस्टोरेंट है पूरे पाकिस्तान में जिसमें आपको वेजिटेबल्स की सारी वैरायटी मिलेगी। एक चिकन रखा हुआ है वो भी कराची वालों के, बाकी तो पूरा वेजिटेरियन है। और डेली चेंज करते हैं मेन्यू, डेली का सेट होता है। इसमें जो है 6 वेजिटेबल होते हैं, एक चिकन आइटम होता है। और ये जो है हम लोग का इसमें फिर अभी टी टाइम भी है, जैसे 1 से लेकर 4:30 तक लंच है, फिर 4:30 से 7 बजे तक जो है टी टाइम होता है। उसमें अला कार्ट मेन्यू, उसमें आपको साउथ इंडियन मिलेगा, पाव भाजी है, डोसा है, इडली सांभर है। तो फिर 7:30 से फिर से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है थाली 11:30 तक। और जो है आने से पहले बुकिंग करा लें, एक दिन पहले बुकिंग्स लेते हैं, रिजर्वेशन ज़रूरी है, वीकेंड्स पे ज़्यादा रश होता है। जी जी, हम तो ऐसे ही आ गए थे। हाँ, आज तो स्पेस मिल गया, अदरवाइज वैसे ज़्यादा करके बुकिंग होती हैं। अच्छा, छोटा स्पेस है तो। हाँ, छोटा है। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज थैंक यू। चलो, थैंक।